Welcome to Manav Vikas World School, Neelokhedi. In my earlier video, I had demonstrated three activities to you. मैंने पहले वीडियो में आपको तीन activities demonstrate की थी and I asked the reason behind it. What is the scientific reason? So first activity was regarding these two balloons and I blew the air between these balloons. एंड देवर कमिंग क्लोजर, तो फूंक मारने से बीच में ये एक दूसरे की तरफ आते हैं. वट इज द रीजन? रीजन इज दैट वेन एयर ब्लोज इन अ पर्टिकुलर रीजन, इन दैट रीजन एयर प्रेशर डिक्रीजेस. जिस क्षेत्र में हवा की गति तेज होगी वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, एयर प्रेशर. तो यहाँ पर वही कंसेप्ट काम कर रहा है कि जब इसके बीच में हम एयर ब्लो करते हैं, हियर एयर प्रेशर डिक्रीजेस एंड इन द सराउंडिंग एयर प्रेशर रिमेंस सेम, वही रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बलून्स आर पुश्ड फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर एंड दैट्स व्हाई दे कम क्लोजर टू ईच अदर. वन मोर एक्टिविटी आई हैड डेमोंस्ट्रेटेड टू यू in which I had blown air in this way and you can see this polythene strip is lifting upward. Concept वही है, same concept. जब ऊपर हवा blow करती है the air pressure at the top decreases, at the bottom it remains same. So polythene is pushed from lower high pressure to अपवर्ड्स लो प्रेशर रीजन. यही कंसेप्ट काम करता है जो हम देखते हैं तूफानों के दौरान. व्हेन अ स्टॉर्म कम्स, तूफान आता है, समटाइम्स वी सी दैट मेटल शीट्स, रूफ विच आर मेड ऑफ मेटल शीट्स, टीन की जो शेड बने होते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं तूफान में. रीजन क्या है? When wind is blowing at very large speed, बहुत तेज गति से जब हवा ब्लो कर रही होती है, छत के ऊपर के हिस्से पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. सो देयर इज लो प्रेशर एट द टॉप एंड इन साइड दैट रूम और हॉल प्रेशर रिमेन सेम जो पहले था. तो अंदर प्रेशर हाई, ऊपर लो. सो एयर इज पुश्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स अपवर्ड. और वो अपवर्ड पुश उसको लिफ्ट कर देती है उस शेड को अपवर्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज ब्लोन अवे विद द विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स. एक और फिनोमिना इसमें जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है एंड दैट इज फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन. हवाई जहाज जब रनवे पर दौड़ता है तभी वो ऊपर उठ पाता है. तो इसके पीछे भी वही कंसेप्ट है, द सेम लॉजिक. And logic is that aeroplane has to run at a very high speed on the runway. Runway पर हवाई जहाज को बहुत high speed से दौड़ना पड़ता है और उसके जो wings होते हैं they are designed in such a way that air pressure at the top decreases due to that blowing wind and air pressure at the bottom becomes high. तो नीचे विंग्स के नीचे जब प्रेशर हाई होगा ऊपर कम होगा तो विंग्स विल बी लिफ्टेड अपवर्ड. तो विंग्स ऑफ द एरोप्लेन आर लिफ्टेड अपवर्ड एंड दैट्स व्हाई एरोप्लेन कैन राइज अपवर्ड इन द एयर. यदि एरोप्लेन रनवे पर ना दौड़े तो कभी भी वो लिफ्ट नहीं ले सकता, ऊपर की तरफ नहीं उठ सकता. सो द रीजन बिहाइंड द लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन इज दैट इट इज रनिंग विद हाई स्पीड ऑन द रनवे. And the reason is the difference between the air pressures at the top of the wing and at the bottom of the wing. एक और एक्टिविटी है जिसमें देखते हैं आप एक बॉलर को क्रिकेट में. ए बॉलर कैन स्विंग द बॉल इन स्विंग एंड आउट स्विंग, और हवा में ही बॉल कर्व शेप लेते हुए या तो अंदर की तरफ जाती है विकेटों की तरफ या विकेटों से बाहर की तरफ जाती है. दीज स्विंग्स आर आल्सो बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक.
बॉलर बॉल को इस तरीके से हवा में स्पिन करते हुए फेंकता है दैट ऑन वन साइड ऑफ द बॉल एयर प्रेशर इंक्रीजेस एंड ऑन द अदर साइड इट डिक्रीजेस। तो बॉल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पुश होते हुए चली जाती है एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व अ स्विंग इन दैट बॉल। एक और मैंने आपको एक्टिविटी एक चैलेंज के रूप में दी थी करने के लिए एंड दिस वाज रिगार्डिंग इस प्लास्टिक बॉटल और इसमें एक पीस पेपर का हम इसके माउथ पर रख देते हैं एंड आई आस्क यू टू पुश दिस पीस इनवर्ड बाय ब्लोइंग एयर। सो व्हाट यू सी, जो आपने पहले भी देखा, जैसे ही हम हवा ब्लो करते हैं एंड इट इज कमिंग पीस हैज कम आउटवर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनवर्ड, अंदर जाने की बजाय ये बाहर की तरफ आता है। रीजन इज सेम, जब हम हवा ब्लो करते हैं यहाँ पर इसके माउथ के पास लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, अंदर प्रेशर सेम है, अंदर हाई हो गया बाहर लो, सो द पेपर इज पुश्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए बाहर की तरफ पुश हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो ट्राइड एट योर होम। आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू लर्न ऑल दीज कंसेप्ट थ्रू दीज एक्टिविटीज। थैंक यू एंड गुड बाय।